अभी मैं कोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ, कुछ नया सीखना चाहती हूँ लाइफ में और वो नई चीज मेरे लिए बहुत नई होगी बिकॉज उसके अंदर ना बहुत सारे फिगर्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और वो सब इन्वॉल्व है और मुझे ना नंबर से डर लगता है। मतलब आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ कैलकुलेशंस, नंबर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मुझे लगा कि मुझे ये करना है, नहीं करना है, मुझे डर लग रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर बहुत अपने आप को समझाने के बाद मैं ये नतीजे पर पहुंची कि मैं ये कोर्स करती हूँ। ठीक है, शायद लोगों से ज्यादा टाइम मुझे लगे बट मैं वो सीख सकती हूँ बिकॉज सीखने की काबिलियत तो है मुझ में। नहीं आता वो बात अलग है। तो मैंने अपने आप को समझाया कि खदीजा, इंस्टाग्राम पे भी जब तुमने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो तुम्हें कुछ नहीं आता था, बस तुमने बटन दबाया और कुछ ना कुछ करते 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 आज तुम अच्छे से काम कर रही हो वहां पर। तो इस फील्ड में भी तुम कर लोगी। ये सब माइंडसेट रेडी करके मैंने अपने आप को एनरोल करने का सोचा और वो जो सिखाने वाला बंदा था मुझे, वो बातों बातों में बोल गया कि मैडम मुझे तो ये लाइन में ना 30 साल से एक्सपीरियंस है, मैं मतलब मेरा तो ये काम है एंड यू नो ऑल दिस थिंग्स। ही स्टार्टेड टॉकिंग एंड ही वॉज टॉकिंग वेरी एनकरेजिंग, जिससे मुझे एनकरेजमेंट मिले। बट पता नहीं क्या हुआ कि उसकी ये बात सुन के ना मैं एकदम ऑफ हो गई। मतलब मेरा दिमाग मुझे बोलने लगा कि नहीं, मैं इस बंदे से नहीं सीख सकती कुछ, मुझे नहीं सीखना है इससे। और मुझे नहीं, अचानक से कुछ होने लगा, मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा कि क्या बोला उन्होंने। मैंने बोला नहीं, उसने बोला कि उसको 30 साल का एक्सपीरियंस है, ये है फलाना फलाना। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी जो तुम्हारा माइंड एकदम से ऑफ हो गया। और तब जाकर मैंने थोड़ा डीपली सोचा। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वैसे ही हमारी एक ज्योग्राफी की टीचर थी। ठीक है, हम जब क्लास 5 में थे तो वो ना हमेशा सबको ऐसे ही बोलती रहती थी कि मेरा 20 साल का 30 साल का तजुर्बा है टीचिंग के प्रोफेशन में, ये वो, आई एम सच अ सीनियर टीचर एंड ना। फिर हम बच्चों को बोलती थी क्लास में कि आपको अगर कुछ भी नहीं समझ रहा है तो मुझे पूछना, क्वेश्चंस पूछो मुझे। तब वो ना सब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा रही थी, प्लूटो, वीनस, मार्स और ये सब। तो उसमें हम बच्चों के लिए ये सब वर्ड्स पहली बार नए थे। मतलब हमने कभी जिंदगी में, वो 5-5th स्टैंडर्ड का बच्चा पहली बार सुनता है कि वो एक प्लैनेट पे रहता है और ये ऐसे ऐसे प्लैनेट होते हैं। तो हमारे लिए वो बहुत नई दुनिया थी। तो उसमें एक बच्चे ने खड़े होके कुछ क्वेश्चन पूछा वो टीचर को, क्योंकि वो टीचर ने ऐसा सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया था। तो जब वो बच्चे ने मासूम सा अपना क्वेश्चन पूछा तो टीचर ने फट करके उसको बोला कि तुम्हारा दिमाग है कि गोबर भरा हुआ है, भूसा है क्या भूसा, इतना भी समझ में नहीं आता तुमको। एंड वो फियर जो था टीचर का, वो ऐसा वो स्टूडेंट्स के बीच में बैठ गया कि तब से वो दिन के बाद किसी ने कोई सवाल नहीं किया क्लास में। ओके, एंड मेरे दिमाग ने, वो 5-5th स्टैंडर्ड का बच्चा जो था उसके दिमाग ने क्या किया, सवाल पूछने से मुझे कभी डर नहीं लगा। सब बच्चे शायद डर गए होंगे लेकिन मुझे आज भी क्वेश्चंस पूछने में कभी नहीं डर लगता है। बट मुझे डर वो सेंटेंस से लग गया, वो लोगों से लग गया जो बोलते हैं कि मुझे 20 साल का 30 साल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि ये बंदे ने भी जब मुझे ये बोला कि मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है मैम इस लाइन में, तो मेरा दिमाग टोटली डिस्कनेक्ट कर गया उससे कि भाई तुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है तो तू, तेरी और मेरी बनने वाली नहीं है, तू मुझे समझा नहीं सकेगा क्योंकि तू वो उस लेवल पे नहीं आ सकेगा जिस लेवल पे मैं काम कर रही हूं। तो जब मैंने ये समझा कि ये जो बचपन के कमांड्स मेरे दिमाग में थे, जो डर था, वो मुझे आज 40 साल के बाद भी ये कंट्रोल कर रहा था और मैं ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाती थी। ये तो मुझे आज पता चला, लेकिन बहुत सारी टाइम लाइफ में ऐसा हुआ है कि जब भी सामने वाला बोलता था कि मुझे 20 साल का या 30 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं उससे दूर हो जाती थी कि नहीं, तू मत सिखा मुझे क्योंकि मैं नहीं सीख पाऊंगी तेरे से, तू बहुत इंटेलिजेंट है पर तेरी लाइन में, तू, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी तेरे साथ। तो आपको ये वापस एक्सपीरियंस मैंने क्यों बताया, जस्ट आपके दिमाग में ये डालने के लिए कि कुछ कुछ चीजें हमारे दिमाग को कंट्रोल करती है, हमारे लाइफ को रन कर रही है अभी भी और हमें पता नहीं चल रहा है। और जिस दिन आप उसको समझ लोगे कि वो कौन सा कमांड है उस टाइम पे बोला हुआ आज भी आपको रूल कर रहा है, तो आप डिसाइड करके उसे बाहर फेंक दोगे इंशाल्लाह। सो जस्ट sharing my experience।